अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? मैं करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी हमारे पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं कप्तान बाबर आजम को कौन कौन से खेल ज़्यादा पसंद हैं, वो किन खेलों को ज़्यादा इंजॉय करके खेलते हैं, और कुछ ऐसे खेल हैं जो उन्हें इतने पसंद हैं कि उन्होंने अपने घर में भी उसका इंतज़ाम कर रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब बाबर आजम, अभी एक वीक ही हुआ है कि बाबर आजम गए थे मैच देखने, जहाँ पर हसन अली और भी बहुत से खिलाड़ी मौजूद थे, यानी हसन अली और इमामुल हक भी मौजूद थे। आखिर वो कौन सा खेल देखने गए थे? वो खेल था फुटबॉल का। वो खेल देखने गए थे और वो मुकम्मल अभी नहीं हुआ था, बाबर आजम को कोई काम था जिसकी वजह से उन्हें जल्दी वापस आना पड़ा। और ये खेल बाबर आजम बहुत शौक से खेलते हैं। हमारी जो पाकिस्तानी टीम है, जब भी वो बिल्कुल फ्री होती है, कहीं संडे वाला दिन हो या कुछ और करना हो, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल को इंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा करते हैं, सब इसमें बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। और यहाँ तक कि बाबर आजम और सरफराज अहमद ने आपस में शर्ट भी लगाई थी और ये मैच उन्होंने बहुत शौक से खेला था, जिसमें जीत बाबर आजम की हुई थी। यानी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट के अलावा जो है फुटबॉल को खेलना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके अलावा जो हमारे खिलाड़ी बाबर आजम हैं, इनको बहुत ज़्यादा दूसरे खेल भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जिनमें गाफ गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। बाबर आजम बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रहते हैं, रमज़ान में बाबर आजम ने ये बहुत ज़्यादा शौक से खेली थी और इसमें और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने उनके साथ उनका साथ दिया। उसके अलावा बाबर आजम को जो सबसे ज़्यादा गेम पसंद है, जो बाबर आजम जिसका घर में इंतज़ाम कर रखा है, वो है बाबर आजम का फेवरेट गेम वाटर पूल, जिसमें बाबर आजम ने अपने घर में फार्म हाउस बनाया है। अलग से उनका घर है, फार्म हाउस है, वहाँ पे बाबर आजम ने इसका सारा कुछ इंतज़ाम कर रखा है। बाबर आजम उसके घर वाले, यहाँ तक कि उनके दोस्त भी बहुत शौक से खेले थे, जिसमें उस्मान कादर आए थे और उनके बेस्ट फ्रेंड इमामुल हक भी आए थे, और इमामुल हक ने भी उनके साथ खेला था। इमामुल हक हर दफ़ा अपने बालों को सेट करते रहते हैं, उन्हें अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है और बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा उन्हें तंग करते रहते हैं। उसके बाद बाबर आजम ने अपने भाइयों के साथ, यानी अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेला, अपने फार्म हाउस में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बाबर आजम को बहुत ज़्यादा तंग किया गया, क्योंकि वो मानते नहीं थे कि हम इतने हमारे गोल हुए हैं, इतने हुए हैं, जिसकी वजह से इस गेंद का हैप्पी हैंड ना हुआ। लेकिन जीत जो से भी दोनों को मिली, यानी बाबर आजम ने और उनके जो भाई थे उनके साथ उनका मुकाबला था और बहुत ज़्यादा उन्होंने मज़ा किया। बाबर आजम को ये तीनों खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बाबर आजम इनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी देते हैं। क्रिकेट के अलावा बाबर आजम को ये तीन खेल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और आप लोगों को कौन सा खेल पसंद है, आप लोग मुझे अपने कमेंट में बताएं ज़रूर।